साफ था कि वह चला जाता था तो मैं आ जाता था। और इस महाकाव्यात्मक फिल्म में सामाजिक इंटरवल नहीं हो पाता था। मैं उतरी हुई चेन की साइकिल की पैडल मारती उद्विग्नता था, खंडहरों में घूमता आवारा आशावाद का सरहद मुक्त राष्ट्रवाद, सम्मोहन के जाल में न फंसता हिरण और किसी भी प्रकाश की पहली शिखरीय और आखिरी किरण। सत्य को अतिरंजित करने की कला था, सत्य को अतिरंजित करने की कला था। झूठ की प्रगल्भता के सामने लड़खड़ाने के बाद मैं हर बार संभला था। एक आदिवासी की बेदखल होने की आत्मकथा सुनकर और एक बेघर घूमती स्त्री को देखकर मैं रोज बदल रहा था न बदलते भारत में। मैं टिफिन लेकर बदलाव के लिए निकलता था उस दुनिया में जहां कॉरपोरेट सोशियोपैथ में बदल गया था और सरकारें सीरियल किलर में, कल्याण मंत्रालय समता की विराट और अछोर मोर्चरी था, अज्ञान के प्रसार के लिए था शिक्षा मंत्रालय और उन्माद के लिए कल्चर की मिनिस्ट्री। बहुत अवसाद में भी भीतर से खी खी निकलती कि देखो इनके पास अब भी है संस्कृति। गृह मंत्रालय घर ढहाता था, अधिनायक अहंकारक संहारक सच नहीं बोल पाता था और स्यूडोलॉजिका फैंटास्टिका बीमारी के इलाज के लिए दी गई गोलियों को लिबरलों की स्टडी में फेंक देता था। जन संपदा का पैसा अमीरों के खाते में ट्रांसफर का ऐप था वित्त मंत्रालय। 10-12 भाषण लेखकों के सहारे चल रही थी सरकार। जन संपदा का पैसा अमीरों के खाते में ट्रांसफर का ऐप था वित्त मंत्रालय। 10-12 भाषण लेखकों के सहारे चल रही थी सरकार, जो रात भर मेहनत करके क्रूरता का पर्यायवाची करुणा ढूंढ लेते थे और सैन्यवादी नियंत्रक के कंधे पर खून और थूक पोछने के लिए गमछा रख देते थे। पाप के प्रमाण पत्रों से लैस थे जनप्रतिनिधि। राजनीति भारतीय मनुष्य के विरुद्ध सतत अपराध थी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मेरी पैंट थी पीछे से फटी। ये कविता है देवी प्रसाद मिश्र की और संग्रह का नाम है जिधर कुछ नहीं। ये राजकमल से छपी है और 199 रुपए की है। बहुत अच्छे कवि हैं। आप कविता के जरिए गद्य का आनंद लेना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो ये उस विधा के कई कवियों में से एक प्रमुख कवि हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।